हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता था कि आज जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल 2019 में ये पता चलना था कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस बार के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए, तो ये आप याद रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से मंत्रालय हैं जो मोदी जी ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। तो यहां पर दे रहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद कौन कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मसले, और उन सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी है जो किसी दूसरे मंत्री को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह सब मंत्रालय किसके पास है, खुद मोदी जी के पास है। और एक फैक्ट और आप याद रखेगा कि इस बार के मंत्रिमंडल में मोदी जी ने कुल चुना है, कुल 24 केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री का चुनाव हुआ है, 9 जो है राज्य मंत्रियों का चुनाव हुआ जो कि स्वतंत्र प्रभार है, और 24 जो है राज्य मंत्रियों का चुनाव हुआ है। इसमें से अमित शाह समेत 20 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मोदी जी के कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, यानी नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनली जो कैबिनेट है, कैबिनेट में किसको किसको शामिल किया गया है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि गृह मंत्री जो है वो किसे चुन लिया गया, तो अमित शाह जी को इस बार का गृह मंत्री चुना गया। ठीक है, अब जो है जो पहले राजनाथ सिंह थे गृह मंत्रालय उनके पास था, ठीक है, अब किसके पास आ जाएगा, ये अमित शाह जी के पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया, याद रखिए राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं कि कौन कौन से हैं आगे, विदेश मंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए यश जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्री इस बार किसको बनाया गया है, यश जयशंकर को। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपका एग्जाम होगा ना वहां पे 100% है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, विदेश मंत्री इनको बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों निर्मला सीतारमण का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, पिछली सरकार में रक्षा मंत्री थी, इस बार इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। वित्त मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनको दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये दोनों किसको दिया गया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी को कानून और आईटी मंत्री बनाया गया, रविशंकर प्रसाद जी को कानून और आईटी मंत्री बनाया गया। ठीक है, इमेज देख रहे होंगे आप, सबका इमेज लगा दिया हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पीयूष गोयल जी को फिर से रेल मंत्री के पद पर रखा गया है, याद रखिए पीयूष गोयल जी को रेल मंत्री के पद पर रखा गया। ठीक है, नितिन गडकरी का भी मंत्रालय चेंज नहीं किया गया, सड़क अवर एवं परिवहन मंत्रालय इनको दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी इनको दिया गया, याद रखिए दो मंत्रालय इनके पास होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और साथ ही सड़क परिवहन और साथ ही साथ सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, स्मृति ईरानी को दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री चुना गया। ठीक है, याद रखिए इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी को। ठीक है, आगे है रामविलास पासवान जी को इनको मिला है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री, इनको चुना गया है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। किसको चुना गया, रामविलास पासवान, डीवी सदानंद गौड़ा, याद रखिए इनके पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। पिछली सरकार में भी इन्होंने इनके पास यही पद था और इस पास भी यही है। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर, आप याद रखें इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार किसान एवं कृषि कल्याण मंत्री इनको बनाया गया, साथ ही साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया है। तो तीन मंत्रालय दोस्तों इनके अंडर में रखा गया है नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखेगा कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, सब कुछ इनके अंडर में है। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री, इनको बनाया गया पर्यावरण मंत्री। ठीक है, पर्यावरण मंत्री, साथ ही साथ इनको एक और मंत्रालय दिया गया, आप चेक कर लीजिए एक बार, आईबी मंत्री। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको दोस्तों जल शक्ति मंत्री बनाया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, जितनी स्पीड में मैं आपको बता सकता हूँ सुन लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे, याद रखिए कौशल विकास मंत्री बनाए गए दोस्तों, याद रखिए कौशल विकास मंत्री बनाए गए हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये आ गए हैं शिक्षा मंत्री बनकर, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बनकर आए दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरसिमरत कौर पंजाब से हैं, याद रखिए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इनको दिया गया है, हरसिमरत कौर को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। थावरचंद गहलोत को सामाजिक
सामाजिक न्याय मंत्री चुना गया है, सामाजिक न्याय मंत्री चुना गया है थावर चंद्र गहलोत को, ठीक है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी को संसदीय, यहां पर याद रखे संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। अर्जुन मुंडा को क्या बनाया गया, याद रखे आदिवासी मामलों के मंत्री, अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों के मंत्री, ठीक है। फटाफट देखते जाइए, अरविंद सावंत को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत को, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारी उद्योग मंत्री, ठीक है। गिरिराज सिंह याद रखिए पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्री को बनाया गया, ठीक है, यह मंत्रालय के अंडर में है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य, गिरिराज सिंह, ठीक है। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री, ये तो पहले से थे तो याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आपको रिवाइज करा दूं फटाफट। तो गिरिराज सिंह याद रखिए पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्री, फटाफट एक नजर डाल लीजिए, अरविंद सावंत जो है भारी उद्योग मंत्री, ठीक है। और इसके बाद देखिए फटाफट देखते जाइए, जितने स्पीड में देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी जो है संसदीय कार्य मंत्री, थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, हरसिमरत कौर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, महेंद्रनाथ पांडे कौशल विकास मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्तार अब्बास नकवी, आपके मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, गजेंद्र सिंह सेवा जल मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर को इस बार भी पर्यावरण मंत्री बनाया गया, ठीक है, याद रखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर तीन तीन मंत्रालय इनके पास है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, यहां पे नोट करिएगा ग्रामीण विकास लिखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ पंचायती राज मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। डीवी सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रामविलास पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है, साथ ही साथ स्मृति ईरानी को याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। नितिन गडकरी के पास दो डिपार्टमेंट आए हैं, एक तो है सड़क एवं परिवहन मंत्री, दूसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग वाला अरविंद जी के पास था याद रखिए, और सूक्ष्म लघु मध्यम किसके पास है, नितिन गडकरी के पास, ठीक है। पीयूष गोयल को फिर से जो है रेल मंत्री, और रविशंकर प्रसाद को कानून एवं आईटी मंत्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निर्मला सीतारमन के पास दो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों है। यस जयशंकर आज के सबसे टॉप क्वेश्चन में, सबसे टॉप लिस्ट में इसका नाम आता है इनका, यस जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और अमित शाह को बना दिया गया है गृह मंत्री। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट का हिस्सा है। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों को राज्य मंत्री में कौन कौन सा पद दिया गया है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में किसको किसको क्या बनाया गया, ठीक है। तो अगला वीडियो उस लेक्चर पे होगा, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ एजुकेशन को लेकर बहुत अलर्टनेस है, और आपको हर एक विषय में डीप स्टडी कराई जाती है। एक बार आप सिर्फ ना स्टडी 91 के साथ जुड़िए, आपको जिंदगी में एक दिशा मिल जाएगा पढ़ने का और सक्सेस होने का, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।